के बेटे को हुकूमत के तख्त पर दाएं तरफ बैठा जन्नती बादलों पर सवार आता हुआ देखोगे। मोहम्मद मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भला? कहां से आया ये नाम? इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल। इस नाम का मतलब जो तारीफ के काबिल हो। रहमतल्लिल आलमीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकर्रमा में रबी अव्वल 571 ईस्वी यानी आमुल फील वाले साल में हुई। इब्ने साद से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने फरमाया कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महलात रोशन हो गए। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए इस रात काबा में रखे तमाम बुत मुंह के बल गिर पड़े और इसी तरह के बेशुमार मौजज़ात का ज़हूर हुआ जो इस बात की अलामत थी कि इस कायनात का रहबर और हादी इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुका है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को हुई तो आप तशरीफ़ लाए और पोते को गोद लिया तो आपकी आंखें भर आईं और मरहूम बेटे अब्दुल्ला की याद आ गई। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल आपके वालिद वफात पा चुके थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा में ले गए और अल्लाह से हर किस्म के फितने और शर से महफूज रखने की दुआ की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक अपनी वालदा बीबी आमना का दूध पिया और फिर अबू लहब की बांदी सूबिया ने आपको दूध पिलाया। अरबों में रिवाज था कि परवरिश के लिए शीरख्वार बच्चे को देहात में भेज दिया जाता था ताकि देहात की साफ आबो हवा और कुदरती गजा के जरिए इनकी अच्छी तरह परवरिश हो। इस जमाने में बनू साद और बनू बकर की औरतें मक्का आती थीं और नौमौलूद बच्चों को अपने साथ परवरिश के लिए ले जाया करती थीं। लिहाजा जब बनू साद कुरैश के इलाके में आए तो औरतों ने मालदार घरों से बच्चों को गोद लिया ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा माल और दौलत और इनाम और इकराम मिल सके। लेकिन जब उन औरतों ने बीबी आमना के लाल को देखा और ये पता चला कि ये बच्चा यतीम है तो माल ना मिलने की उम्मीद से आपको किसी ने भी गोद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इन्हीं औरतों में दाई हलीमा भी थी जो नहायत ही गरीब खातून थी और उनकी ऊँटनी भी लागर थी। जब हलीमा सादिया की नज़र हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर इनके सीने में उमड़ आया। लिहाजा बीबी हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया और अपने कबीले की तरफ चल पड़ी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में आते ही बरकतों का ज़हूर शुरू हो गया। बीबी हलीमा की ऊँटनी जो नहायत ही कमज़ोर थी इसके थन दूध से भर गए। जब काफिला कुछ दूर पहुंचा तो ऊँटनी खुशी खुशी काफिले से आगे आगे चली जा रही थी। इस पर काफिले वालों ने पूछा, ऐ हलीमा, क्या ये तेरी ही ऊँटनी है या कोई और? हलीमा सादिया के शौहर हारिस ने भी ये सब महसूस करके अपनी जौजा से कहने लगे, हलीमा ये तो बहुत ही बरकत वाला बच्चा है। हलीमा सादिया ने कहा कि हाँ वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये नहायत ही बरकत वाला बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है। जब बीबी हलीमा सादिया अपने काफिले के साथ गांव पहुंची तो वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन बिल्कुल सूख चुके थे लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब बीबी हलीमा अपने घर में तशरीफ़ लाईं तो बकरियों के थन दूध से भर गए। बीबी हलीमा खुद फरमाती हैं कि अब रोज़ाना मेरी बकरियां चरागाह से वापस आती हैं तो इनके थन धूप से भरे हुए होते हैं जबकि हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था और लोगों को अपने जानवरों से एक कतरा दूध तक ना मिलता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को इसी जगह चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं, मगर यहां चरागाह या जंगल का कोई दखल ही ना था।
ये तो रहमतल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का फैज था, जिसको मैं और मेरे शोहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से अल्लाह ताला की तरफ से बीबी हलीमा मुसलसल इजाफे और खैर बरकत का मुशाहदा करती रहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदाई 2 साल हलीमा सादिया और इनके शोहर हारिस की गोद में गुजरे। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा और तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में ही आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला सिफात और खूबियों की बिना पर बचपन से ही बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप नहायत ही संजीदा मिजाज और गौर व फिक्र करने वाले जहन के मालिक थे। जब हलीमा सादिया के बेटे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ जंगल ले जाते और बकरियां चराया करते तो वापस आकर बीबी हलीमा को बताते थे कि ए अम्मी जान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं, जिस वादी में भी जाते हैं हरा भरा हो जाता है, धूप में एक बादल इन पर साया करता रहता है, रेत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के निशान नहीं पड़ते और जंगल के जानवर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमते हैं। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो शरीक भाई दौड़ते हुए हलीमा सादिया के पास आए और बताया कि 2 आदमियों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक कर दिया है। बीबी हलीमा हवास बाख्ता हो गई और वो अपने शौहर के साथ दौड़ती हुई वहाँ पहुँची तो देखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत खड़े थे। जब हजूर से पूछा गया कि आपको क्या हुआ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सफ़ेद कपड़े वाले 2 आदमी आए थे, उन्होंने मुझे लिटाकर मेरा सीना चाक कर दिया और एक खून का लोथड़ा निकाला और फिर इसे सोने की एक तश में रख कर आबे जमजम से धोया और फिर इसी तरह अपनी जगह रख कर सीना बंद कर दिया। ये सुनकर बीबी हलीमा बहुत घबरा गईं और हजूर को वापस मक्का ले जाने का इरादा किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 या 5 बरस की हुई तो हलीमा सादिया आपको मक्के वापस ले आईं और आपकी वालदा बीबी आमना के सुपुर्द कर दिया। यहाँ हजरत उम्मे ऐमन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की बांदी थीं, हजूर की परवरिश और खिदमत गुजारी में मसरूफ़ रहने लगीं। उम्मे ऐमन ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलातीं, कपड़े पहनातीं, कपड़े धोतीं और तमाम ज़रूरियात का ख्याल करती थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन की मोहब्बतों और खिदमात को हमेशा याद किया करते थे और फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन माँ के बाद मेरी माँ हैं। अभी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिद के साए से महरूमी का शऊर भी ना था कि आपकी वालदा बीबी आमना वफात पा गईं। लिहाजा अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते से नहायत ही मोहब्बत और उल्फत थी। अब्दुल मुत्तलिब आपको अक्सर अपनी गोद में बिठाते और फरमाते, इस बच्चे का मुकाम बुलंद है, ये सैयदो सलार होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगोश में लेकर अपने पास बिठाते और मोहब्बत से आपको चूमते। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस की थी तो एक दिन अपने दादा की चारपाई के पास बैठकर जारो कतार रोने लगे, क्योंकि इस यतीम पोते के सरपरस्त और वाहिद सहारा अब्दुल मुत्तलिब की भी वफात हो गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मौत के वक्त अपने इस 8 साला पोते को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले कर गए। अब अबू तालिब की सरपरस्ती में आपका नया दौर शुरू हुआ। 8 साल की उम्र में जब बच्चे दुनिया की ऊंच नीच से बेखबर खेल कूद में मगन होते हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर बकरियों की रखवाली करते, जंगल में इन्हें चराने ले जाते, दोपहर के खाने में बेर खाकर पेट भरते और घर के छोटे बड़े काम काज करके अपने चचा अबू तालिब का हाथ बटाते, अगरचे अबू तालिब ने कभी भतीजे और अपने बच्चों के दरमियान फ़र्क ना किया और दोनों मियाँ बीवी ने हकीकी बेटी की तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8-9 साल की उम्र में हर सुबह शहर से बाहर निकल जाते और शाम तक अकेले सहरा में रहते, अक्सर औकात खुले आसमानों और बादलों पर नज़र जमाए रखते
और सूरज ढलने से पहले मवेशियों को लेकर वापस आबादी में लौट आते। जनाब अबू तालिब एक ताजिर थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 12 साल की हुई तो आप इन्हें तिजारत के सिलसिले में अपने साथ मुल्क शाम ले गए। शहर बसरा के नजदीक इनका काफिला ठहरा। रिवायत है कि जिस जगह इनके कारवां ने पड़ाव डाला वहां बहिरा नामी एक राहिब रहा करता था। बहिरा ने जब ये देखा कि जिस दरख्त के नीचे काफिला ठहरा है इसकी टहनियां खुद ब खुद झुक गई हैं। इसने देखा कि एक 12 साल का लड़का काफिले में शामिल है जिस पर बादल का एक टुकड़ा साया किए हुए है। बहिरा एक आलिम और दानिश्वर राहिब था। वो समझ गया कि ये वही मौजूद है जिसकी बिशारत हमारी किताबों में मौजूद है। वो जनाब अबू तालिब से मिला और इनको नसीहत की कि अपने भतीजे की पूरी निगरानी करें, ये वही बच्चा है जिसका जिक्र आसमानी किताबों में है। बहिरा ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें यहाँ से वापस मक्का भेज दो और शाम ना ले जाओ क्योंकि इन्हें यहूदियों से खतरा है। जनाब अबू तालिब ने चंद गुलामों समेत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। जनाब अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी नहीं देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ बोला हो या कभी किसी को धोखा दिया या किसी को कोई तकलीफ दी हो। वो हमेशा खुश इखलाक, नेक अतवार, नरम गुफ्तगु, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। रसूल पाक बचपन में तमाम बच्चों से मुख्तलिफ तबीयत के मालिक थे। अपने बाकी बच्चों की तरह शरारते और शौकिया ना थी बल्कि आप बचपन ही से इस कायनात के निजाम पर गौर व फिक्र किया करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस माशरे और समाज में परवरिश हुई और अपने बचपन और जवानी का वक्त गुजारा इसमें सूद, नाच गाना और हर किस्म की बुराइयां जोरों पर थीं। ऐसे माशरे में तमाम तर बुराइयों से महफूज रहना और किसी मामूली से मामूली बुरे अमल से अपनी सीरत को दागदार न होने देना एक गैर मामूली बात है।